हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास है, यह थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने पार्ट ए एवं पार्ट बी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो भी वीडियो आप देख लीजिए पूरा डिटेल्स में। उसमें भी अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है कि कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी। तो जी हाँ प्रश्न, किसकी हो गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर है जफर खान, बी नंबर में है नुसरत खान, और सी नंबर में है अल्प खान, और डी नंबर में है उलुघ खान। तो उलुघ खान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, तो बिल्कुल सही, जफर खान के जो है कि लड़ते समय मंगोलों में मौत हो गई थी। किसकी, तो जफर खान जी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है। जी हाँ प्रण, सबसे बड़ा हिमनद कौन है। ऑप्शन नंबर में है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है रुंडुनू, ऑप्शन नंबर डी में है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी में गंगोत्री, और ऑप्शन नंबर डी में है केदारनाथ। तो सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हिमनद कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक है प्रण, इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। अगर पूछ लिया जाए कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये नेपाल में स्थित है कंचनजंगा की। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर ये भी प्रश्न में आ सकता है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 85 से 86 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्मगांव पतन स्थित है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा में, या तमिलनाडु में स्थित है, गोवा में स्थित है, केरल में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही जो है, ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मर्मगांव कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर बताए हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, ये भी प्रश्न है। राजधानी से भी प्रश्न आता है, तो इसकी राजधानी कहाँ, तो चेन्नई इसकी राजधानी। आप लोग इसको राजधानी तो बता दिया आपको चेन्नई की राजधानी। अगर पूछ लिया जाए कि चेन्नई राज्य की स्थापना, तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, तो 26 जनवरी याद रखिएगा 1950 से। इससे भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसको देखिए, आप लोग राइटिंग पर नहीं जाइएगा, आप लोग को जो हम बोल रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से सुनते हुए एवं नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ओडिशा के बारे में भी जान लेते हैं। जब राजधानी से प्रश्न आता है, तो आपके एग्जाम में इसको छोड़ना का है कि देखिए ओडिशा की राजधानी कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ, तो भुवनेश्वर है। देखिए केरल बच गया, तो केरल की राजधानी कहाँ थे, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। बच गया एक गोवा, जो कि इसका सही आंसर है। तो गोवा की राजधानी कहाँ, तो इसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। जी हाँ प्रण, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गहरे समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी है अपतट में, और ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत अंतःस्थलीय में, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि अपतट में जो है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो अपतट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। ठीक है फ्रेंड, सही क्रम संकेत करने के लिए कह रहा है। तो जो उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया, तो सबसे पहले कौन लड़ा गया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था, और तीसरे चौथे, इसमें 4 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो तीसरे चौथे इस प्रकार से सजाना है, इसमें मिला जुला है। तो देखिए इसका कैसे हो जाएगा, पहले देखिए चौसा, देवरा, कन्नौज या सरहिंद का लड़ा गया था, उसके बाद देख लीजिए देवरा, कन्नौज, चौसा या सरहिंद लड़ा गया था, या सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज लड़ा गया था, या सबसे पहले देवरा लड़ा गया था, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, या उसके बाद सरहिंद लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है कि सबसे पहले देवरा लड़ा गया था, उसके बाद चौसा लड़ा गया था, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद लड़ा गया था। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इस भी पूछा जा सकता है, तो इससे प्रश्न बनता है, तो जीके में काफ़ी प्रश्न। तो देखिए अगर पूछ लिया जाए कि आपसे देवरा का युद्ध कब हुआ था, देखिए देवरा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका क्या आंसर कीजिएगा, तो देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1532 ईस्वी में। ठीक है,
आप लोग याद रखिएगा 1532 ईस्वी में देवरा का लड़ा गया था, उसके बाद चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1539 में, ठीक है। 1539 में चौसा का और कन्नौज का कब लड़ा गया था तो 1540 में, ठीक है। 1540 में कन्नौज का लड़ा गया था, बच गया सरहिंद। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। भारत में पूछा जा रहा है कि पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ वो स्थापित हुए थे। देखिए मढ़ौरा में स्थापित हुए थे, या बेतिया में, या ऑप्शन नंबर सी है मोतिहारी में, या ऑप्शन नंबर डी है पटना में। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो जो है कि जो स्थापित किया गया था बिहार में पहली चीनी मिल, तो ये मोतिहारी ज़िले में स्थापित किया गया था, ठीक है, मोतिहारी में ही स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो जाना कि बिहार जो अलग हुआ था तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा बिहार की स्थापना तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार की राज्य भाषा क्या है, भाषा से भी कर प्रश्न बन सकता है, तो बिहार की राज्य भाषा क्या है, तो हिंदी है, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी क्या है, तो हिंदी बिहार की राजकीय भाषा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सी नदी जो है कि बिहार में गंगा से मिलती हैं। देखिए गंडक मिलती है, देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ठीक है। इसमें गंडक मिलती हैं, या स्वर्ण नदी मिलती है, या घाघरा मिलती है, या पुनपुन नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है। ऑप्शन में भी दिया हुआ, देखिए 1 2 3 या 4, चारों मिलती हैं, या 3 को मिलती हैं, या इसमें भी देखिए जिस प्रकार से ऑप्शन को सजाया गया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी नदी मिलती हैं। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो है गंगा नदी में ये सभी नदी मिलती हैं, गंडक भी मिलती हैं, उसके बाद सोन भी मिलती हैं, उसके बाद घाघरा भी मिलती हैं, उसके बाद पुनपुन भी मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन से शासक ने कहा था, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, बी ए स्मिथ कहा था, या जो है कि जे एन सरकार कहा था, उसके बाद ए एल श्रीवास्तव कहा था, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई भी नहीं कहा था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो है कि बी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, बी ए स्मिथ ने कहा था कि तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि उसे प्राप्त ना हो सके क्या, देखिए वैध मतों का 1/3 भाग, या वैध मतों का 1/4, या वैध मतों का 1/5, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए लोकसभा के बारे में बात आए, तो देखिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको निम्न सदन कहा जाता है। उसके बाद इसको जो है कि भंग भी किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये सभी टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, देखिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, या प्रधानमंत्री के प्रति, या लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, या संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका सही हो जाएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के जो है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। देखिए पो से पंडित हो गया, देखिए रो से राष्ट्रपति होता है ना, रो से राष्ट्रपति,
और रूस से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, रूस से राष्ट्रपति, रूस से राजेंद्र प्रसाद, और देखिए अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री तो पोसे प्रधानमंत्री होते हैं और पोसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग के लिए होमवर्क में है, अगर आप लोग जो कि वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।